हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज हम इस वीडियो लेशन में जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सभी 10 क्वेश्चन 2018 की जो अपकमिंग बैंकिंग सेक्टर की एग्जाम्स हैं उनको फोकस करके बनाए गए। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या है। नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज लॉन्च द प्रोग्राम अम्मा गांव अम्मा विकास Our village or development to reach out the people in the rural areas and involve themselves in the developmental activities. ये अम्मा गांव अम्मा विकास योजना कहाँ लॉन्च हुई है, कौन सी सरकार ने की है? तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने की है। उड़ीसा गवर्नमेंट है लॉन्च द प्रोग्राम अम्मा गांव अम्मा विकास टू रीच आउट टू द पीपल इन द रूरल एरियाज एंड इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज फ्लैग्ड ऑफ मोबाइल वीडियो वैन्स अम्मा गांव अम्मा विकास प्रोग्राम दैट विल मूव अक्रॉस द स्टेट टू हाईलाइट वेरियस वेलफेयर स्कीम्स एट विलेजेस इन द स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट जो भी वेलफेयर स्कीम्स स्टेट ने चला रखी है गाँव के लिए, उन सब के बारे में भी वो वैन बताएगी। और उसका फ्लैग ऑफ किसने किया? नवीन पटनायक सीएम ऑफ ओडिशा ने। ये दूसरा क्वेश्चन भी इसमें बनता है। नेक्स्ट देखिए क्या है। त्रांडाई क्वांग इज द प्रेजेंट प्रेजिडेंट ऑफ, ये कहाँ के प्रेजिडेंट है अभी? ये वियतनाम के हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेम द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय, मेघालय के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं कोनराड सांगमा, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी प्रेसिडेंट कोनराड सांगमा इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय। ही रिप्लेस्ड मुकुल सांगमा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस पार्टी के सीएम हैं अभी तो मेघालय में? तो ये नेशनल पीपुल्स पार्टी के हैं। और हैं कौन ये मिस्टर कोनराड सांगमा है, और किनको रिप्लेस इन्होंने किया, इनसे पहले कौन थे? तो मुकुल सांगमा थे। नेक्स्ट देखिए, नेम द इंडियन हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड्स ऑफ आर्ट एंड पॉलिटिक्स इन द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में अभी रिसेंटली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। कंट्रीब्यूशन किसमें, कौन से फील्ड में? आर्ट एंड पॉलिटिक्स। तो ये मिस्टर हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जिनको ये अभी दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच फंड हैज बीन एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पीएम सौभाग्य योजना इन यूनियन बजट 2018-19। तो पीएम सौभाग्य योजना के लिए बजट कितना अलॉट हुआ है? तो ये है 16,000 करोड़। ई ऑप्शन जो आपका है पीएम सौभाग्य योजना के लिए किया गया है। तो और ये पीएम सौभाग्य योजना है, इसका मेन एम है पावर टू ऑल होम, सभी घरों को बिजली दे। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर सप्लाई इन अराउंड 500 सिटीज। गवर्नमेंट का जो रेस्पॉन्सिबल वाटर सप्लाई अराउंड 500 शहरों में जो वाटर सप्लाई की योजनाओं के लिए जो है स्कीम, वो क्या है उसका? तो वो है अमृत प्रोग्राम और अमृत स्टैंड्स फॉर, ये भी आ सकता कि अमृत स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो अमृत है द अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फोकस ऑन वाटर सप्लाई टू ऑल हाउसहोल्ड्स इन 500 सिटी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल बीइंग डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दैट विल प्रोवाइड ए सिंगल विंडो लिंकिंग ऑल स्टेक होल्डर्स। तो कॉमर्स डिपार्टमेंट ने ये कौन सा एक प्रोग्राम पोर्टल किया है जो डेवलप किया अभी इन्होंने? तो ये है आपका नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल। द गवर्नमेंट्स प्लान टू डेवलप ए नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल एज ए सिंगल ऑनलाइन विंडो टू लिंक ऑल स्टेक होल्डर्स विल सिग्निफिकेंटली हेल्प द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बाय डीलिंग विद ए सिंगल मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है, सिग्मोत्सव इज ए फेमस कल्चरल फेस्टिवल हेल्ड रिसेंटली इन, तो ये सिग्मोत्सव कहाँ है? ये रिसेंटली हेल्ड हुआ गोवा में और ये कोस्टल एरिया का ही एक उत्सव है। सिग्मोत्सव हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एथ्यूसियास्टिकली इन गोवा। सिग्मोत्सव और सिग्मो भी इसी को बोलते हैं। सिग्मो इज वन ऑफ द सेरल कल्चर फेस्टिवल ऑफ द कोस्टल स्टेट एंड इज सेलिब्रेटेड थ्रू कलर्स कॉस्ट्यूम्स म्यूजिक डांस एंड परेड्स। नेक्स्ट देखिए क्या है। शहजा रिजवी हैज रिसेंटली क्लिंच ए गोल्ड मेडल विद ए वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर, ही इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट्स?
तो ये सजा रिजवी किससे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये है शूटिंग से। और इन्होंने अभी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ये 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में बनाया है और रिकॉर्ड किए हैं 0.242.3। नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए, नेम द क्रिकेटर हु हैज बिकम द यंगेस्ट कैप्टन इन इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट कौन बना है, तो ये है मिस्टर राशिद खान फ्रॉम अफगानिस्तान, जो 19 साल की उम्र में कैप्टन चुने गए हैं और बड़ा कमाल और धमाल कर रहे हैं। द लेग स्पिनर फ्रॉम पाकिस्तान राशिद खान 19 ईयर ओल्ड हैज बिकम द यंगेस्ट कैप्टन इन इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री। ही नाउ होल्ड्स द आईसीसी नंबर 1 रैंक फॉर बॉलर इन बोथ ओडीआई एंड टी20 एंड ऑल्सो बिकम द यंगेस्ट प्लेयर एवर टू होल्ड द टॉप स्पॉट फॉर एनी फॉर्म ऑफ आईसीसी मेन्स रैंकिंग। इससे पहले इससे कम उम्र के किसी भी खिलाड़ी ने टॉप रैंक हासिल नहीं की, तो ये तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड है इससे राशिद खान के। तो ये यंगेस्ट कैप्टन है और यंगेस्ट नंबर 1 रैंकिंग पे जाने वाला प्लेयर भी क्रिकेट में यही है, मिस्टर राशिद खान, लेग स्पिनर है अफगानिस्तान से। तो ये था आज का वीडियो जिसमें 10 क्वेश्चन अपने डिस्कस किए। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। आज के लिए फिर बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।